कुछ भी कर लो पिगमेंटेशन को तो नहीं हटाया जा सकता। क्या आपको भी ऐसा लगता है और किस बेसिस पे लगता है कि हमने इतनी सारी क्रीम्स लगा ली, इतने सारे सीरम्स लगा लिए, इतनी सारी होम रेमेडीज फॉलो कर ली, बट कभी कोई रिजल्ट आया ही नहीं, बल्कि मेरी पिगमेंटेशन तो पहले से बदतर ही हो गई है। अगर आपकी भी यही समस्या है तो क्या पता आप कुछ गलतियां कर रहे हो। आज मैं एक्यूरेटली आपको बताने वाला हूं कि पिगमेंटेशन को आप कैसे ठीक कर सकते हो। मैं बहुत अमेजिंग ब्यूटी टिप्स आपको देने वाला हूं, पर आप कहोगे क्या टिप्स मिलने वाले हैं, मैंने इतनी क्रीम लगाई है, इतने सीरम लगाए और हमारे ही चैनल की होम रेमेडीज तक लगाई है, बट फिर भी कोई फायदा नहीं हुआ। उसका रीजन आपको बताऊं, सबसे पहले तो ये बताओ पिगमेंटेशन आखिर होता क्या है। हमारी जो स्किन होती है ना, उसको कलर देने का काम करता है मेलेनिन पिगमेंट, और वो हमारी बॉडी प्रोड्यूस करती है। और जब कोई बॉडी में इम्बैलेंस हो जाता है तो वो एकदम से बूस्ट अप हो जाता है और पार्शियली हमारा फेस डार्क लगना शुरू हो जाता है। तो सिर्फ ये बताओ टॉपिकली अगर आप फेस पे कुछ रगड़े जा रहे हो, कहां से बेनिफिट मिलेगा, है कि नहीं। उसका इलाज सिर्फ इतना है कि आपको अपनी बॉडी का अंदर से भी ध्यान रखना शुरू करना पड़ेगा। अगर आप अपनी बॉडी का अंदर से ध्यान रखोगे तो ही वो रिफ्लेक्ट होगा आपके फेस पे। एक चीज हमेशा याद रखना, यू आर व्हाट यू ईट। अगर अच्छा खाओगे तो वो ऑटोमेटिकली आपके फेस पे दिखेगा, और अगर गंदा खाओगे ना तो भी आपके फेस पे दिखेगा। टॉपिकल एप्लीकेशन बहुत हेल्पफुल होती है बट 100% नहीं होती। आपको अपनी बॉडी का भी ध्यान रखना पड़ेगा। आज की वीडियो में मैं आपको कुछ अमेजिंग टिप्स बताने वाला हूं जो आपने फॉलो करने हैं विद होम रेमेडीज, विद योर फेस सीरम, तब आपको मिलेगा बिल्कुल ही बेस्ट रिजल्ट। और मैं 100% गारंटी देता हूं आपकी पिगमेंटेशन विजिबली फेड होना स्टार्ट हो जाएगी। बस अब हमारे बताए गए स्टेप्स फॉलो करो और साथ में फॉलो करो हमारी अमेजिंग होम रेमेडीज जो भरी पड़ी है हमारे चैनल पे। पर आज की वीडियो में भी आपको मैं एक अमेजिंग रेमेडी बताऊंगा जो आपने फॉलो करनी है हमारी अलग टिप्स के साथ। टिप्स भी फॉलो करो, रेमेडीज भी फॉलो करो, और विजिबल डिफरेंस दिखेगा आपको, आपकी स्किन पिगमेंटेशन कम होती दिखेगी। चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो और आपको बताते हैं 7 अमेजिंग टिप्स दैट यू कैन फॉलो टू फेड पिगमेंटेशन। टिप नंबर 1, स्टॉप ब्लीचिंग योर फेस। पार्लर गए, आंटी ने ब्लीच लगा दी जबरदस्ती और आपको आ गया बढ़िया वाला ग्लो, है कि नहीं। कई बार सैलून जाते हैं और जब आप आंटी को बोलते हो कि फेस पे ग्लो चाहिए बढ़िया वाला, तो ब्लीच के आगे उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं होता, बिल्कुल आपको ग्लो नजर आता है। बट क्या आपको पता है वो आपकी स्किन को कितना ही डैमेज कर रहा है। ब्लीच के अंदर टोटल 2 चीजें होती हैं, एक होती है क्रीम जो ब्रांड बोलते हैं हर्बल है, और बिल्कुल वो हर्बल होती भी है। दूसरा होता है उसके अंदर एक्टिवेटर, और वो होता है फुल ऑफ केमिकल्स। और जब आप ब्लीच करते हो, जो आपको ग्लो नजर आता है, आपको पता है वो कैसे नजर आता है, आपकी स्किन की टॉप लेयर हट जाती है और आपकी स्किन हो जाती है बहुत ज्यादा सेंसिटिव। तो जब भी अगली बार धूप में निकलोगे आपकी पिगमेंटेशन बिल्कुल ही खराब हो जाएगी, बहुत जल्दी शूट अप होगी। आपने देखा होगा कई ब्लीच पे यहां तक ये भी लिखा होता है ये डी पिगमेंटेशन ब्लीच है, और डी पिगमेंटेशन ब्लीच जैसा कुछ भी नहीं होता। वो आपकी स्किन की टॉप लेयर पे आपको उस वक्त के लिए लगता है पिगमेंटेशन कम हो गई है, बट ऐसा होता कभी भी नहीं है। तो आप अगर चाहते हो आपकी पिगमेंटेशन बढ़े नहीं, तो आज ब्लीच कराना बिल्कुल ही बंद कर दो, चाहे जितनी मर्जी मजबूरी हो। फेशियल्स करवाओ, फेशियल में कोई दिक्कत नहीं है, फेशियल में फिर भी नेचुरल प्रोडक्ट्स होते हैं, बट जो ब्लीच होती है ना वो तो लोडेड विद केमिकल्स होती है। आपने ब्लीच आज से बिल्कुल ही बंद करनी है। अगर फिर भी ब्लीच कराना आपकी मजबूरी है तो नेचुरल ब्लीच कराओ, टमेटो जूस है, लेमन जूस है, इनसे बढ़िया नेचुरल ब्लीच कोई होता ही नहीं है। बल्कि आप हमारे चैनल पे भी सर्च कर देख सकते हो, वहां पे आपको बहुत सी वीडियोस मिलेगी नेचुरल ब्लीच के ऊपर। टिप नंबर 2, स्टार्ट एक्सफोलिएटिंग। स्क्रबिंग हमारी स्किन के लिए अच्छी नहीं होती, ऐसा कई लोग बोलते हैं और बिल्कुल सही बोलते हैं, बट एक्सेस स्क्रबिंग हमारी स्किन के लिए अच्छी नहीं होती। अगर आप एक सही क्वांटिटी में स्क्रबिंग करो तो वो आपकी स्किन को सिर्फ और सिर्फ फायदा देगी। एक माइल्ड सा स्क्रब खरीदो, वो आपकी स्किन को सिर्फ और सिर्फ फायदा ही देगा। और सर्कुलर मोशन में हल्के हाथों से उसे जेंटली मसाज करना चाहिए, सिर्फ हफ्ते में 2 बार, उससे ज्यादा बिल्कुल भी नहीं। उसका बेनिफिट आपको क्या मिलेगा, जो स्किन की टॉप लेयर है ना, वहां पे डेड स्किन सेल्स इकट्ठे हो जाते हैं, और अगर उनको हटाया ना जाए तो आपकी स्किन डेड लगती है और ऐसा लगता है लाइफलेस आपकी स्किन। तो जब आप एक्सफोलिएट करोगे वो प्रॉपर्ली हट जाएगा, आपकी निकल कर आएगी क्लियर और ग्लोइंग स्किन, और ये बहुत हद तक पिगमेंटेशन रिडक्शन में भी फायदा देगा। अब इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि पिगमेंटेशन को हटा देगा, बट विजिबली ये कम करने का काम करेगा। अब इसका ये मतलब नहीं है आपने रगड़ना शुरू कर देना है पिगमेंटेड एरिया पे, वहां पे भी उतना ही जेंटल रहना है। कभी भी ओवर मसाजिंग से पिगमेंटेशन नहीं हटती, आप देर तक मसाज कर लो बट हल्के हाथों से करो, तभी आपको बेस्ट रिजल्ट मिलने वाला है। टिप नंबर 3, ऑलवेज वेयर अ सनस्क्रीन। अब ये तो याद कर लो अच्छे से, जैसे पानी पीना जरूरी होता है, नींद लेना जरूरी होता है, खाना खाना जरूरी होता है, सनस्क्रीन लगाना भी उतना ही जरूरी है अगर अपनी पिगमेंटेशन को कम करना चाहते हो। सनस्क्रीन आपने सिर्फ आउटडोर नहीं लगानी, इनडोर भी लगानी है, और अगर आउटडोर जा रहे हो ना तो आपको हर 2 से 3 घंटे में रीअप्लाई करनी है। इसके अलावा सनस्क्रीन आपने लगानी है बाहर जाने से 30 मिनट पहले, ताकि आपकी स्किन में अब्सॉर्ब हो जाए और एक बैरियर का काम करे आपकी स्किन और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के बीच में। जो सबसे बड़ा रीजन होता है पिगमेंटेशन शूट होने का, वो सन की रेज ही होती है, और बहुत
बहुत लोगों को, इनफैक्ट मैं कहूंगा मेजॉरिटी लोगों को, एज स्पॉट्स और पिगमेंटेशन सिर्फ सन की यूवी रेस से होती है। तो आज के आज इस रूल को बांध लो, सनस्क्रीन लगाना है बहुत ज्यादा मैंडेटरी, चाहे कुछ भी हो जाए, घर के अंदर हो बाहर हो दोनों टाइम जरूरी है। मिनिमम SPF 30 लेना है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम लेना है, और सबसे जरूरी बात रेगुलरली उसको लगाना है। टिप नंबर 4, रेगुलर मॉइस्चराइजिंग। अब एक चीज अच्छे से समझ लो, स्किन आपकी ऑयली है, इसका ये मतलब नहीं है आपको मॉइस्चराइजिंग की जरूरत नहीं है। हर स्किन टाइप को मॉइस्चराइजिंग चाहिए। आपकी स्किन का pH बैलेंस तभी हेल्दी रहेगा और आपका फेस प्लम्पी और इलास्टिक तभी रहेगा। आपको पता है क्या, जिनकी स्किन ड्राई रहती है ना, वो मोर प्रोन टू पिगमेंटेशन है, फाइन लाइन्स है, रिंकल्स है। तो अगर आप भी अपना यूथफुल वाला ग्लो खोना नहीं चाहते हो, आज के आज एक अच्छे मॉइस्चराइजर में इन्वेस्ट करो और उसको दिन में 2 बार लगाना शुरू करो कम से कम। आपके पास बहुत ऑप्शंस मिल जाएंगे मॉइस्चराइजर की, इनफैक्ट आप मेरे चैनल पे भी सर्च कर सकते हो। सिर्फ जाओ YouTube पे और वहां लिखो रोहित स्पेस मॉइस्चराइजर और आपको टॉप 10 की कई वीडियोज मिल जाएगी जिसमें मैंने बेस्ट मॉइस्चराइजर बताए हुए आपकी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग। टिप नंबर 5, ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर। अब टॉपिकली तो आपने अपनी स्किन को मॉइस्चराइज कर लिया, व्हाट अबाउट योर बॉडी? आपको रेगुलरली पानी पीना है। अगर प्रिसाइजली बोलूं 8 से 10 ग्लास डेली पीना है। एक ग्लास लगभग 250-250 ml का होता है और एक साथ नहीं पीना वरना बॉडी में ब्लोटिंग हो जाएगी और फिर आप कंप्लेन करोगे कि मेरे को तो उल्टा नुकसान हो रहा है। वो नुकसान तब होता है जब आप इकट्ठा पानी पी लें। तो सिप सिप कर कर पियो और टुकड़ों में बांट कर पियो। हर एक घंटे में आपने एक ग्लास पानी पीना ही पीना है अगर आप अपने इसको सॉफ्ट सफल और हाइड्रेटेड रखना चाहते हो। जब आपकी बॉडी हाइड्रेटेड रहेगी ना, तभी वो ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट होगा आपके फेस पे। आपको समझना पड़ेगा हाइड्रेशन इज द की। अगर अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड रखोगे ना, तो ही ऑटोमेटिकली आपकी स्किन पे रिफ्लेक्ट होगा। आपकी स्किन रहेगी एजिंग साइन से बिल्कुल फ्री, ना आपको रिंकल्स परेशान करेंगे, ना फाइन लाइंस परेशान करेंगे, और आपकी स्किन रहेगी पिगमेंटेशन फ्री। टिप नंबर 6, गुड डाइट। अब डाइट से जरूरी तो कुछ होता ही नहीं है अगर पिगमेंटेशन में डिफरेंस आपको देखना है। अगर आप जंक फूड खाओगे, फ्राइड फूड खाओगे, तो सही बता रहा हूँ, एक्ने ब्रेकआउट्स आपको हमेशा ज्यादा होंगे, आपका फेस ज्यादा ऑयल प्रोड्यूस करेगा। और वही ऑन द अदर साइड अगर अच्छा खाना खाओगे तो ऑटोमेटिकली वो आपकी स्किन पे रिफ्लेक्ट करेगा। तो आपको डिसाइड करना है, आपको चाहिए कि अपनी जीभ की खुशी देखनी है या चेहरे पे ग्लो चाहिए। अब डिसाइड आप ही को करना है। मैं तो कहूंगा थोड़ा टाइम जीभ को कंट्रोल करो, खुद ब खुद आदत बन जाएगी। आपको मेक श्योर करना है जब आप डाइट लेते हो आपने प्रोटीन चीजें ज्यादा लेनी है। प्रोटीन बहुत हद तक पिगमेंटेशन कम करने का काम करता है। इसके अलावा विटामिन सी रिच बहुत सी चीजें होती है, वो भी आपको लेना है। बहुत से फ्रूट्स आते हैं, ऑरेंज आता है, ग्वावा आता है, बहुत से सिट्रस फ्रूट्स होते हैं। इसके अलावा शिमला मिर्च, बाकी आप गूगल कर सकते हो, बहुत सी चीजें होंगी जो आप डे टू डे लाइफ में इजिली कंज्यूम कर सकते हो और आपकी विटामिन सी का कंटेंट बॉडी में पूरा रहेगा। विटामिन सी सीरम तो आप ले लेते हो बट अंदर भी तो विटामिन सी जाना चाहिए। अब मैं टैबलेट लेने को नहीं कह रहा, नेचुरल फूड से पूरा करो अपना विटामिन सी का कंटेंट। और जब आप अच्छा खाना खाओगे ना, सही बता रहा हूँ, पिगमेंटेशन आपका ऑटोमेटिकली कम होता आपको दिखेगा। एंड फाइनली टिप नंबर 7, फॉलो DIY रेमेडीज, जो भरी पड़ी है मेरे चैनल पे या कहें YouTube पे भी भरी हुई है। बट आज एक और आपको मैं बढ़िया वाली रेमेडी बताने वाला हूँ जो आपने फॉलो करनी है इन 6 टिप्स के साथ। आपको एक ग्लास बोल लेना है, उसमें डालना है 1 चम्मच मुलेठी पाउडर जो आपकी स्किन को लाइटन अप करता है, ब्राइटन अप करता है और पिगमेंटेशन को फेड करता है। उसमें आपने डालना है 1 चम्मच राइस फ्लोर, अच्छे से उनको मिक्स कर लो। राइस फ्लोर आपका यूथफुल अपेयरेंस बनाए रखता है और एक्सफोलिएट करता है ताकि डेड स्किन सेल्स प्रॉपरली हट जाए। उसमें आपने डालना है 1 चम्मच दही जिसके अंदर होता है लैक्टिक एसिड और एसिडिक नेचर की वजह से वो आपकी स्किन को लाइटन अप और ब्राइटन अप करता है। एंड फाइनली उसमें डालना है 1 चम्मच हनी, अच्छे से इनको मिक्स कर लो। हनी बूस्ट करेगा आपकी स्किन में मॉइस्चर और मैंने जस्ट आपको बताया मॉइस्चर कितना जरूरी होता है। जब आपका स्मूथ सा पेस्ट रेडी हो जाएगा, आपने इसको पूरे फेस पे नेक पे अच्छे से अप्लाई कर लेना है, 20 से 25 मिनट रखना है और अच्छे से वॉश ऑफ कर देना है मसाज करके। हफ्ते में 3 बार भी फॉलो कर सकते हो फॉर अमेजिंग रिजल्ट्स। आप ये 7 टिप फॉलो कर देखो, 6 टिप और ये वाली रेमेडी, आपको 2 हफ्ते के अंदर आपकी पिगमेंटेशन गायब होती नजर आएगी विजिबली। आज के आज लो ये चैलेंज हमारे साथ 2 हफ्ते का और नीचे आके मुझे कमेंट करो। मैं गारंटी देता हूँ कोई नेगेटिव कमेंट नहीं कर पाओगे। अब मैं ये जरूर कहता हूँ कुछ लोगों को फायदा ज्यादा दिखेगा, कुछ लोगों को कम दिखेगा। अब स्किन केयर टोटली सब्जेक्टिव होता है, कोई यूनिवर्सल चीज नहीं है कि सबको एक जैसा रिजल्ट दिखेगा। अगर ऐसा ही होता तो दुकान में इतने प्रोडक्ट रखने की जरूरत ना पड़ती। बट वही बात है, कुछ नहीं से कुछ बेहतर है। तो आज के आज लो ये 7 टिप्स का चैलेंज और आपको विजिबल डिफरेंस दिखेगा, आपकी पिगमेंटेशन गायब हो जाएगी बहुत ही जल्दी। वीडियो पसंद आई हो तो अभी के अभी कर लो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और सबसे जरूरी बात आगे आपने करना है वीडियो को शेयर, बिकॉज हर तीसरा बंदा परेशान है पिगमेंटेशन से। तो क्या पता आपके फ्रेंड्स भी परेशान हो इसी चीज से और आपको बताते ना हो, और जो बताते हैं उनके साथ तो करना है, बाकी जिनके फेस पे आपको दिखता है डार्क स्पॉट्स हो रहे हैं बट वो ध्यान नहीं रखते, उनके साथ भी शेयर करना है। अब आप ही तो केयर करोगे उनकी,
बाकी कोई पर्टिकुलर टॉपिक पे अगर चाहते हो मैं वीडियो बनाऊं तो नीचे जाओ कमेंट बॉक्स में और मुझे कमेंट कर बताओ हमें इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, और मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ बहुत जल्दी लेकर आऊंगा उस टॉपिक पे वीडियो। तब तक हम आपसे मिलेंगे बहुत ही जल्दी एक और अमेजिंग वीडियो के साथ। अंटिल नेक्स्ट टाइम, दिस इज योर होस्ट रोहित सचदेवा, गुड बाय।